नमस्कार दोस्तों, सी एस इन्फॉर्मेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके लिए हर टाइम हर समय न्यू अपडेट लेकर हाजिर होती है हमारी टीम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि कुछ समय पहले एक्सिस बैंक का बेसिस आर्ट हो चुका है दोस्तों, तो जो कि यहां पर आप एक फोटो भी देख सकते हो, जहां पर त्यागी सर है और कुछ एक्सिस बैंक के ओनर है दोस्तों, तो उसने मिलकर ये पार्टनरशिप किया कि अब सीएससी में एक्सिस बैंक के बीसीबी ओपन होंगे। और इसमें आपको कैसे बीसी पॉइंट लेना होगा और इसमें कैसे काम करना होगा, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, पूरा प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जितने भी न्यू अपडेट होते हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलो आपको बता देते हैं कि एक्सिस बैंक का बीसी स्टार्ट हो चुका है, तो इसके लिए दोस्तों आपको कैसे अकाउंट ओपनिंग कराना होगा। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले क्या होता कि आपको एक एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना होता, जो कि करंट अकाउंट होता है। वो कैसे ओपन होता है दोस्तों, उसके बारे में हम बता देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने नियर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का डीएम होता है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उससे बात करनी होती है। तो दोस्तों, उसको आप कैसे बीसी के लिए बोल सकते हो, मान लो दोस्तों ये आप एक नई सी एस सी वाली, आपको किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट नहीं मिला। फॉर एग्जांपल दोस्तों, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक या फिर और जितने भी सी एस सी में बीसी पॉइंट चल रहे हैं दोस्तों, उसमें से आपको किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट नहीं मिला, तो आप एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट ले सकते हो। तो उसके लिए तो आपको जो करंट अकाउंट ओपन कराना होता है, उसके लिए दोस्तों आपसे आईडी प्रूफ लिया जाता है। वो आईडी प्रूफ कौन से होते हैं दोस्तों, वो आपको बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास सीएससी आईडी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपका आधार नंबर आपका मोबाइल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपके पास 4 पिक होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, आपके आईडी प्रूफ के बोझो आपके पास शॉप की फ़ोटो भी होना चाहिए कि आपके पास पहले सीएससी सेंटर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, जो कि बैंक मैनेजर की ओर से अकाउंट ओपन किया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों, आपको इसमें नेट बैंकिंग मिल जाता है, आपको एक एटीएम कार्ड मिल जाता है और एक चेकबुक मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना होता है, आपको सीएससी में जाकर बीसी बैंक मित्रा का रजिस्ट्रेशन करना होता है दोस्तों। जब आप दोस्तों रजिस्टर करते हो, उस समय आपसे जो जो डॉक्यूमेंट पूछा जाता है वो सारा आपको डाटा फिल करना होता है। और उसमें दोस्तों, आपके पास जो बैंक बीसी लेने के लिए शॉप की पीस पिक मांगा जाता है दोस्तों, आपका सेंटर की फ़ोटो होता है, वो आप सही से क्लिक कर लेना। और उसके बाद दोस्तों, आपसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सिंपली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को वहाँ पर सर्च करके अपने सही जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है वो ऐड करना होता है। उसके बाद दोस्तों, कुछ डे में आपका बैंक बीसी जो आपके सीनियर होते हैं वो आपको कॉल करते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए वो आपकी शॉप पर आते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, आपका एक 2 मंथ के बीच आपका बीसी पॉइंट ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की ट्विटर पर एक त्यागी सर ने ट्वीट किया, वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, दिनेश त्यागी सर ने एक ट्वीट किया, सीएससी एक्सिस बैंक बीसी। तो यहाँ पर एक वीएलई को बैंक बीसी मिला, वो उसने अपनी फ़ोटो अपलोड किया, तो जो त्यागी सर ने आगे ट्वीट पर ट्वीट किया है। तो दोस्तों, आप भी एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट ले सकते हो और अच्छे से काम कर सकते हो दोस्तों। तो इसमें दोस्तों, आप अकाउंट ओपनिंग का काम कर सकते हो, लोन, उसके बाद दोस्तों और जो जो काम जो कि एक्सिस बैंक में हो रहा है, वो सारा का सारा काम आप अपने बीसी पॉइंट से कर सकते हो। और दोस्तों, आपको इसका एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। जो आपने अभी तक किसी भी बीसी पॉइंट के लिए अप्लाई नहीं किया, तो आप जल्दी से एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट अप्लाई कर दें और आप भी बैंक में ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ।